नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या हाल रहा शुक्रवार को और क्या हाल रहेगा सोमवार को। सो हम देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है। जो नेगेटिविटी चल रहा था थोड़ा सा वो खत्म होकर पॉजिटिव साइड अभी दोनों इंडेक्स चल रहा है और मार्केट भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक्स के वजह से भी। सो बहुत सा स्टॉक में उत्तम मोमेंटम आ रहा है ऊपर के तरफ। सो ये देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में हम आज लेवल्स के बारे में छोड़ देते हैं। लेवल्स के बारे में आप तो जान चुके होंगे, बहुत सा वीडियो आप देख चुके होंगे, लेवल्स आपको इजीली पता चल गया होगा कैसा निकालना है। अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन सीखना है, ट्रेंड लाइन के बावजूद चलना है कि कैसा एक ट्रेंड पकड़ना है और किस ट्रेंड के मान के चलना है कि मार्केट का डायरेक्शन अब क्या हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप कैसे पकड़े। ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, 2-3 दिन का ये ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। अभी निफ्टी इस ट्रेंड को मान के चल रहा है, ओके? जो जो लो बना था उसका सपोर्ट लेके निफ्टी अभी चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन कब क्रॉस होगा? मंडे भी क्रॉस हो सकता है क्योंकि गैप अप होने का संभावना बहुत ज्यादा है मार्केट में। जो गैप अप का बात किया जा रहा है बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट भी उत्तम संयोग देते हुए तो मार्केट को ऊपर खींच के जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक और डाउन साइड में जो सपोर्ट बना रहा है यहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बन रहा है कि निफ्टी का मोमेंटम अब क्या रहेगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा ही गैप अप हुआ तो यहाँ पे टकरा के फिर से कहीं पे यहाँ पे नीचे ऊपर करते हुए किसी साइड ब्रेकआउट दे सकता है। पॉजिटिवनेस है, बुलिशनेस है मार्केट में, सो इसलिए मार्केट अपसाइड ही जा सकता है। अगर किसी भी कारण बहुत ज्यादा उत्तम संकेत ग्लोबल मार्केट से निकल के आया, अभी जो ग्लोबल का मार्केट सभी अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे तोड़ के निफ्टी 15,800 तक भाग सकता है। इससे भी ज्यादा गया तो ये पहला लेवल रहेगा जिसका रेजिस्टेंस, उसके बाद आपको पता है कि ऑल टाइम रेजिस्टेंस ही उसका नेक्स्ट लेवल होगा, ओके? So 15,910 वो उसका रेजिस्टेंस होगा। बीच बीच में तो छोटा मोटा रेजिस्टेंस रहता है कि आप लेवल्स को निकाल सकता है, जहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच सकता है और रेजिस्टेंस को पकड़ सकता है, वैसा ही सपोर्ट को भी आप पकड़ सकता है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट में ये हाल हमें दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन के मुताबिक, ओके? अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे डिलीट करके चलते हैं एक दिन का चार्ट, वन डे चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कोरोना से जो मार्केट गिर गया था वो स्विंग करके अपने आप अब ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है? ये एक ऑलमोस्ट एक बढ़िया ट्रेंड ऊपर की तरफ बनते हुए चल रहा है, ठीक है? इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या अभी दिख रहा है मार्केट में। मार्केट अभी एक चार्ट में एक हैमर बनाया है क्लोजिंग बेसिस पे, देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर आपको दिख रहा है, ओके? यहाँ पे भी एक हैमर आपको दिख रहा है, गैप अप हुआ उसके बाद कुछ कारण से करेक्शन भी दिया एक ही दिन में और वहां पे डाउनफॉल शुरू हुआ थोड़ा बहुत। अब ये हैमर बन रहा है तो पिछला भी यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग हैंडल वाला हैंगमैन टाइप कैंडल, ओके? इसे भी एक हैमर माना जा सकता है। उसके बाद भी एक गैप अप हुआ था, उसके बाद गैप यहाँ पे फिल हुआ था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया और मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। उसके बाद भी कुछ अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश किया लेकिन नीचे जाके फिर से अपसाइड आया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके आगे ऊपर चलता रहा मार्केट। ये वन डे का चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया आपको डायरेक्शन दे देता है और क्या क्या हरकत होता है मार्केट में वन डे चार्ट पैटर्न से आप बढ़िया सीख सकता है। ये भी यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स बना, उसके बाद ये हैमर को मानते हुए गैप अप हुआ, ओके? ये कैंडल क्लोजिंग दिया और यहाँ पे गैप अप हुआ। वैसा ही आप देख के मान सकते हैं कि क्या मोमेंटम हो सकता है और ग्लोबल बाजार भी अच्छे संकेत दे चुका है, यूएस का भी, एसजीएक्स निफ्टी का भी, यूरोपियन मार्केट का भी, सभी में तेजी है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है, उसको मानकर चलते हैं तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा सकता है और अपसाइड मोमेंटम जारी रख सकता है। किधर तक जारी रख सकता है ये हमें पता चलेगा ऑप्शन चेन से। सो 15,700 एक एडजी मनी है, वहां पे आप देखिए करीब करीब 7,000 पुट राइडिंग हुआ है,
4000 कॉल रेटिंग हुआ है, 15750 में सिर्फ 4000 कॉल रेटिंग हुआ है, रेजिस्टेंस कम है, ओके रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा किधर है, रेजिस्टेंस ज्यादा 15800 है। सो 15800 का ऊपर अगर ओपन हो गया तो ये सब भाग जाएगा और आपको रेजिस्टेंस ज्यादा तक बढ़ेगा 15900 में, ओके सो अपसाइड ही ओपन होना है, गैप अप ओपन होके 15900 तक चेस कर सकता है मार्केट। डाउनसाइड आपको देख सकता है 15650 में 7600 कॉन्ट्रैक्ट है और उससे नीचे 16173 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 15600 में बन रहा है। अगर मार्केट किसी भी कारण नीचे चला गया तो भी 15620 के ऊपर एक सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है रिवर्सल। सो ध्यान दीजिए, सभी संकेत पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है, शॉर्ट मत कीजिए अंटिल अनलेस 15900 को ना सस्टेन करके वापस आता हुआ है, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको डाउनसाइड में भी दिला सकता है मार्केट, नहीं तो अपसाइड ही बना रही है, थोड़ा देख के संभाल के ट्रेड लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लेके काम कीजिए। दोस्तों हमारा एक वर्कशॉप के बारे में आपसे बहुत बार हम बात कर चुके हैं और बोल भी चुके हैं और बहुत लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं कि ये फ्री है क्या, नहीं है, मैं आपको बहुत वीडियो में ये भी बता चुका हूँ ये फ्री नहीं है, बहुत ही कम दाम में ये एक वर्कशॉप, 3 दिन का वर्कशॉप एक्सक्लूसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिलेगा, फेमस अमेरिकन ईगल स्ट्रेटजी, 950 कैंडल हैक, 30 मिनट्स कैंडल हैक और 2 डीप राइजिंग स्टार, जो भी प्रूवन टेक्निक्स है और उसको सिखाया जाएगा, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट करना है ये भी बता दिया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्सक्लूसिवली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या स्टॉक ऑप्शंस हो, सिर्फ ऑप्शन के लिए। और जो वर्कशॉप का फीस हम बताते हैं वो बहुत कम है, एक दिन का आपका नुकसान से भी बहुत कम है। बहुत बहुत लोग ये ही कॉन्सेप्ट आपको 10,000 20,000 सभी लेके बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बोल के आपको उल्लू बनाता है, लेकिन हम बहुत कम दाम में ये आपको समझाने के लिए और सिखाने के लिए तैयार है। जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप लिंक को क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिख रहा है उसी व्हाट्सअप को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता है, और बिल्कुल फ्री में तो नहीं है, ये गलतफहमी आपसे दूर होना चाहिए। चलिए, ये हमारा वर्कशॉप के बारे में था, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है सीख के मार्केट में अगर आप काम करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका लभी नुकसान कम होगा और प्रॉफिट होने का स्टार्ट होगा, बढ़िया प्रॉफिट आप कमा पाओगे। चलिए अब बैंक निफ्टी का हम देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखिए क्या बना चुका है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके देखते हैं, उस ट्रेंड लाइन के पहले हम समझते हैं कि क्या हुआ है, ओके 2-3 दिन में बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये रेंज में बैंक निफ्टी को रखा गया है, ठीक है, गिरने तो नहीं दिया है, यहाँ पे भी देखिए एक रेंज में रखा हुआ था, ओके ये रेंज ब्रेकआउट दे दिया, एक दिन गैप अप हुआ सीधा ऊपर, वहां पे एक रेंज में रखा गया, डाउन आया सो सीधा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे लाया, ओके ये आपको कुछ पैटर्न जैसा बना दिया है, एम जैसा पैटर्न बना दिया है, करीब करीब ऐसा ऐसा पैटर्न। सो यहां तक आना था मार्केट, लेकिन आएगा या लेट से आएगा या कल ही यहाँ पे गैप डाउन पुल के ऊपर जाएगा ये सब पता नहीं है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, बुलिशनेस है, मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है मार्केट, ओके सो क्या ट्रेंड लाइन है, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे रुकावट मिल सकता है आपको, कहाँ से ये मार्केट ऊपर भाग सकता है, ये एक ट्रेंड लाइन से आप पता कर सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए, यहाँ पे हाई पे ट्रेंड लाइन मार्क करके मैच कीजिए, ओके यहाँ तक मैच कीजिए। सो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्यों, यहाँ से क्यों नहीं, तो ये एक हाई पॉइंट है इसे लिया हूँ, ओके यहाँ पे भी नजदीक आया था, यहाँ पे भी नजदीक आया था, इसको एडजस्ट करके यहाँ से भी आप ले सकता है, जैसा चाहिए आप ले सकता है एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए। सो बहुत लोग का गलत फहमी क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देगा और बोलेगा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, भाई साहब जब ये नैरो रेंज बना हुआ है ब्रेकआउट का बाद कहाँ बनता है, अभी वेट है ब्रेकआउट के लिए, अभी वेटिंग में है, कल अगर गैप अप होगा तो भी आपको किधर तक जाना है मार्केट, आपको करीब करीब 35,250
ये लेवल तोड़ के 250 तोड़ के ऊपर जाना है बुलिशनेस बनाने के लिए, और 35,500 तक मार्केट भागना है, तभी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट बैंक निफ्टी में अब रिवर्सल करने का मोड में है, 36,000 के तरफ एक और रैली दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं तो एक स्विंग बीच में अटक जाएगा, 34,800 और 35,200 400 पॉइंट का बीच में, दो तीन दिन टाइम पास करके एक्सपायरी में वो कुछ भी कर सकता है, चाहे डाउन ला सकता है चाहे अप ला सकता है, क्योंकि डाउन साइड मूवमेंट यहाँ तक अभी तक बाकी है। अगर एक पैटर्न एम पैटर्न बना दिया तो 34,500 तक मार्केट को आना है, टच करना है, वो भी एक संभावना है। तो डाउन साइड का आप बिल्कुल ना करने से मना कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको अपसाइड मूवमेंट दिखाया है और कल भी मार्केट बुलिश हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल बाजार अच्छा है, कोई बैड न्यूज अभी तक नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट 35,000 को क्रॉस करके एक दो दिन रुक के वहां से भी नीचे आए, 34,300 या 400 को जाके वहां से भी नीचे आ जाए फिर से, वो भी एक संभावना है। तो मंडे को जो यूएस मार्केट है वो नहीं चलेगा, सो डायरेक्शन आपको मंडे नाइट नहीं मिलेगा। एसजीएक्स निफ्टी ट्यूसडे मॉर्निंग जो खुलेगा वो अपने आप कुछ कैलकुलेशन के ऊपर खुल जाएगा, अगर पॉजिटिवनेस बना रहा तो ट्यूसडे भी आपको अपसाइड रैली दिखाने का एक कोशिश करेगा। ट्यूसडे शाम को जो मार्केट खुलेगा यूएस में, अगर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया या प्रॉफिट बुकिंग आया, सो थोड़ा नीचे आके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो वेडनेसडे मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है इंडियन मार्केट में भी। ये सब आप ध्यान रख के बैंक निफ्टी में काम कीजिए। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट रहा। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट को हम देख सकते हैं निफ्टी की तरह, ये ट्रेंड लाइन जो बनाया है इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बढ़िया ट्रेंड लाइन बना हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो हम यहाँ से यहाँ खींच लेंगे तो बहुत डिस्टेंस लग जाएगा, तो ये स्विंग हम लेंगे। देखिए क्यों नहीं खींचना है, अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना दिया तो ये दो पॉइंट कर सकता है, और यहाँ पे देखिए कितना गैप हो गया। ओके, ये ठीक तरीका नहीं होता है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। सो यहाँ पे एक अच्छा लो साइड स्विंग हम पकड़ते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं मिडिल वाला। ओके, और इसको एक नैरो रेंज में हम टच करने का एक कोशिश करते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। 3 पॉइंट मिल रहा है, हाँ 3 पॉइंट मिल रहा है। क्या क्या 3 पॉइंट हमें टच हो रहा है, 1, 2 और यही पे 3 तीसरा वाला। सो 3 पॉइंट टच हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमारा थोड़ा वैलिड रहा है। क्या यहाँ पे सिग्नल बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप सिग्नल बना है बैंक निफ्टी में। अभी तक अनिश्चितता है, से यहाँ पे नीचे अगर आएगा तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जा सकता है, नहीं तो यही से कहीं से ये कैंडल से ऊपर भागने का कोशिश करेगा, तो यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे 35,200 तक आने का कोशिश करेगा। अगर ये भी ब्रेक किया तो सीधा यहाँ पे आप इस टॉप का रैली का इंतजार कर सकता है, 35,700 का। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं मार्केट मोमेंटम, नहीं तो यही पे एक बीच का लेवल रहेगा, बहुत लेवल्स रहेगा, वहां पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट इधर उधर घूम के आपका प्रीमियम एरोशन करेगा और टाइम पास भी कर सकता है। ठीक है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आपका बैंक निफ्टी में बन गया। दोस्तों ये रहा मार्केट का एनालिसिस चार्ट के हिसाब से। हम चलते हैं ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का क्या हाल है देखने के लिए। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कैसा बिल्डअप हुआ है इन दी मनी, एट दी मनी और आउट दी मनी में। 34,800 यहाँ पे आपको एट दी मनी दिखेगा, सो ये 34,800 है, ये सेंटर है एट दी मनी का। यहाँ पे पुट रेटिंग देखिए 14,000 ऑलमोस्ट बराबर पुट रेटिंग हुआ है 34,800 और 700 में, सो मजबूत सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ऑपोजिट में आप देखिए यहाँ पे करीब 9,000 4,000 ऊपर में और 6,000 35,100 2,000। ओके, सो 7,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट है ऊपर साइड में, और बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस आपको 35,500 तक दिख रहा है। सो मार्केट आपको क्लियरली बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने को तैयार हूँ, शॉर्ट मत कीजिएगा, देख के संभाल के ट्रेड लीजिएगा। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉन्टेक्ट करके भैया सेल का सलाह लेके चलिए, मार्केट तो बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है। हम चलते हैं एक स्टॉक का, डेली एक स्टॉक का आपको बता सकते हैं हम, आप जानता है कि डेली एक स्टॉक हमको देखते हैं। सो ये मास्टेक है, मास्टेक हम बोले थे पिछले हमारे वीडियो में, कुछ वीडियो में
पिछले दिन में हम कहा था मावस्टेक को बाई करने के लिए 2140 या 2160, और हम बोले थे ये पोजिशनल स्टॉक है, इस स्टॉक के ऊपर सीपी नहीं चलता, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स नहीं है, ये होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। आज देख लिए, देख लीजिए यहाँ पे 200 पॉइंट हमारा लेवल आइडेंटिफिकेशन करने के बाद 200 पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। ओके, करीब करीब अपना हाई जो था 2360 वो लेवल पे हार के रुका है 2350। मंडे यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट आके ब्रेकआउट देगा तो 2400 तक मंडे में जा सकता है। 40-50 पॉइंट्स का एक मोमेंटम ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। यहाँ पे आप कैश में ही काम कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत अच्छा है मंडे का मार्केट के लिए। ये कहते हुए दोस्तों हम अपना यह वीडियो यहाँ पे समाप्त करता है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपका दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ फायदा हो रहा है या नई वीडियो से कमेंट कीजिए। 3 डे वर्कशॉप है, 9th जुलाई से दूसरा बैच आएगा, उसका भी पोस्टर हम डेट चेंज के यही पोस्टर आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और हमारा साथ जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बोलते हुए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करता है। जय हिंद।